ये मैं एक 7 to 8 years गर्ल्स के लिए लहंगा बना रही हूँ। वैसे तो हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, लेकिन बड़ों के लिए भी हमारा मेथड तो बिल्कुल सेम होता है। तो यह मेरे पास एक 1.25 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की चौड़ाई 46 इंच है। और यह भी मेरे पास एक बचा हुआ 1 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की विड्थ भी 46 इंच है, 46 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है। अब हम सबसे पहले अपने इसमें इन दोनों कपड़ों को मिलाकर मैं इसमें कलियों वाला लहंगा बनाने जा रही हूँ। तो मैं इसमें 16 कलियों का लहंगा बनाऊंगी, 8 कलियाँ हमारी इसमें से कटेगी और 8 ही हमारी इस वाले फैब्रिक में से कटेगी, मतलब कि 8 कली इसमें से और 8 कली इसमें से, ऐसे करके हमारी 16 कली का ये लहंगा बन जाएगा। अब हम अपनी कलियों की चौड़ाई निकालने के लिए जो हमारी जो कमर का नाप है वह है 24 इंच, 24 इंच हमारी लहंगे की कमर है। 24 को हम 16 से डिवाइड करेंगे। और एक और आसान तरीका है हमारा 16 बार डिवाइड करने का, आप 24 पे इंची टेप को ऐसे रखिए, डबल फोल्ड कीजिए, दो बार फोल्ड हुआ, इस तरह से 4 बार फोल्ड कीजिए तो 4 बार हुआ, फिर इसको एक बार और फोल्ड कर लीजिए तो यह 8 बार फोल्ड हो जाएगा। तो हम इसको खोल के देखेंगे, 8 बार फोल्ड होने में हमारा ये 3 आ रहा है, तो हम इसको जस्ट हाफ करके अपना 16 बार वाला निकाल लेंगे, तो हमारी चौड़ाई आती है 1.5 इंच। एक कली की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच आती है। और अब हम उसमें सिलाई में जितना आएगा उतना और प्लस कर लेंगे, तो हम यहाँ से 1.5 से 2.5 इंच इसमें कली की चौड़ाई रख लेंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे कलियों को आपस में जॉइंट करने के लिए और ऊपर से फिर थोड़ा लूज रखने के लिए भी। अब हम इस एक कपड़ा लेंगे और इसमें अपनी लंबाई ले लेंगे, तो हमारी जो लंबाई है वह है 30 इंच। तो 30 इंच पे हम यहाँ पे 2 इंच नेफे का छोड़ेंगे और 30 इंच हम ले लेंगे। इसमें जब हम कलियों की कटिंग करते हैं तो वह उरेब होने की वजह से एक छोटी और एक बड़ी होती है, तो उसकी कटिंग भी हमें करनी होती है, तो हम इसमें 4 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच हमारा जो तिरछी और वो कटिंग होगी वह निकल जाएगी और फिर 2 इंच हमारा फोल्ड करने का हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये 34 इंच अपने लहंगे की लेंथ ले लेंगे। आप चाहें तो नीचे से फिर और ज़्यादा भी ले सकते हैं फोल्ड करने को, कि आप चाहते हैं बच्चों का है तो थोड़ा चौड़ा फोल्ड करें, तो इस तरह से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम इस कपड़े की यहाँ से कटिंग कर लेंगे और इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर रखा है, अब हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और 2.5 इंच हम इस तरफ से मार्क कर लेंगे और 2.5 इंच हम इस तरफ से मार्क कर लेंगे और इन निशानों को इस तरह से तिरछा आपस में मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारी यह 8 कलियों की कटिंग हो जाती है। ये 1, 2, 3, 4 पर हमने फोल्ड किया है तो 4 कलियां हमारी इस तरफ से हुई, 4 कलियां हमारी इस तरफ से हुई, तो एक पार्ट में से हमारी 8 कलियां निकल आएगी। अब हम इनको बीच में से कट कर लेंगे और ये हमारी इस तरह से होगी और ये बीच में से जुड़ी हुई साइड है, तो इस साइड को भी हम इसे कट कर लेंगे। और अब हम इसी तरह से इसी कपड़े में से ये वाली कलियां भी कट कर लेंगे। हम इसी के बराबर लंबाई ले लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे कपड़े की और फिर इसमें कलियां कट कर लेंगे सेम यही मेथड से। ढाई इंच हम इस तरफ से ले लेंगे और 2.5 इंच हम इस तरफ से ले लेंगे। हमारी 8 कलियां ये है और 8 कलियां हमारी ये है। अब हम इनको आपस में जॉइंट करेंगे, पहले हम इस तरह से रख लेंगे, आप 2-2 कलियों को पकड़कर उठाइए
अब हम इनके बीच में ये दो कलियों को रखते जाएंगे। तो दो कलियां हम इस तरह से रखेंगे, फिर ये दो कलियां हम इस तरह से रखेंगे और दो कलियों को हम इस तरह से रखेंगे और एंड में हमारी जो ये कलियां हैं इनको हम इस तरह से जॉइन करेंगे कि यह एक तो इस तरफ आएगी और एक हमारी यह इस तरफ आएगी। ये हमें लास्ट की कलियां एक एक कर उठानी होगी, उससे वह सिमेट्री का लुक देगा। अब हम इन कलियों को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आपस में इनको पकड़ पकड़ कर पिन लगा लेंगे। ये काफी चौड़ा दिख रहा है लेकिन ये घेर जब आपस में ज्वाइंट होगा तो यह कम हो जाएगा। आप इन्हें पहले पिन लगा कर ही उठाइए, उससे क्या होगा कि आपको सिलने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इस तरह से आप एक एक को पकड़िए, बस हाँ आप उल्टे सीधे का ख्याल रखिएगा और फिर आप पिन ज्वाइन कर लीजिएगा और इस तरह से हर एक को आपस में ज्वाइन कर लीजिए। हमने दो दो कलियों को एक साथ रखा है तो एक एक कलिया हमारी नीचे की तरफ रह जाएगी और एक एक कली हमारे ऊपर की तरफ हो जाएगी और फिर आप इनको बस उठाकर सिलाई लगा लीजिए। तो यह बहुत आसान तरीके से आपकी कलियाँ ज्वाइन हो जाएगी। आप दोनों कपड़ों में से किसी को भी बेल्ट बना सकते हैं। तो हम इस ब्राउन वाले से बेल्ट बनाएंगे। तो हमें यहाँ से 4 इंच चौड़ा एक कपड़ा निकाल लेना होगा। तो हम इसमें से 4 इंच चौड़ा एक कपड़ा निकाल कर, हमारी कमर का नाप 25 इंच है तो 12.5 इसका हाफ आएगा और इसमें हम 15 इंच तक नेपर ले लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी कमर का नाप लगाकर कटिंग कर लेंगे बेल्ट की। तो यह हमारा बेल्ट होगा। अब हम इस कपड़े में से चोली बनाएंगे। यह हमारे पास 1.25 मीटर कपड़ा था तो देखिए ये बच गया। हम स्लीव लेस छोटी सी ब्लाउज की तरह इसमें एक चोली बनाएंगे। तो हम ये ब्लाउज में पीछे की तरफ भुकाई लगाएंगे तो ये पोर्शन हमारा पीछे का होगा। अब हम यहाँ से अपने ब्लाउज की लंबाई, यह 15 इंच आ रही है और मुझे 12 इंच चाहिए तो हम इसको एज इट इज रख लेंगे, इसमें इसको फोल्ड करने के लिए भी। अब हम इसमें पहले अपना पिछला हिस्सा बनाएंगे तो हम यहाँ से इसको ऐसे हुक आई के जो पट्टी का एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके बाद से अपने ब्लाउज का नाप लगाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास तीरे का नाप 10 इंच है तो हम यहाँ से उसका आधा 5 इंच ले लेंगे और हमारे पास सीने का नाप 24 इंच है तो उसका आर्म होल का नाप हम सीने का चौथा हिस्सा करके निकाल लेंगे। तो 24 हमारा सीने का नाप है तो 24 पे आप इंची टेप को ऐसे रखिए, डबल फोल्ड कीजिए और फिर 4 फोल्ड कर लीजिए, आपका चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से निकल आएगा। यह तरीका सभी बच्चों के लिए 28 पे ब्रेस्ट तक नाप पर रहता है। तो हम यहाँ से आर्म होल 6 इंच ले लेंगे और यहाँ से हम सीने का चौथा प्लस 2 इंच ले लेंगे तो हमारा सीने का चौथा हिस्सा आता है 6, उसमें प्लस 2 करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। 6 इंच आता है हमारा सीने के चौथा, उसमें प्लस 2 करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। बच्चों के सीने और कमर के नाप में कोई फर्क नहीं होता है तो हम यहाँ पर ये जितना है 8 इंच तो उतना ही हम यहाँ पर रख लेंगे और हम आधा इंच कम कर सकते हैं एक शेप देने के लिए हल्का सा। और यहाँ पर हम यहाँ से हम 1 इंच लेकर ऐसे ये आर्म होल का माप कर लें। हम स्लीवलेस बना रहे हैं बच्चों के लिए तो आगे पीछे का आर्म होल आप बराबर भी रखेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसकी यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं यहाँ से 8 इंची रख रही हूँ क्योंकि मैं इसमें छोटी छोटी टक्स दूंगी, उससे हम चोली का शेप बिठाएंगे। अब हम इस कपड़े को इस तरह से कर लेंगे कि ये हमारा इसके बराबर आ जाए और हम ये जो हमने एक्स्ट्रा पीछे हुकाई लगाने का रखा है वह हम आधा इंच कम ले लेंगे और इसी के बराबर इसकी कटिंग कर लें। ये ध्यान रखिएगा आप, ये हमारे कपड़े की जुड़ी हुई साइड है, ये फ्रंट में रहे। अब हम इसमें राउंड नेक बना लेंगे। तो हम यहाँ से 2 इंच चौड़ाई लेंगे या आपकी चॉइस है, आप 1.25 इंच भी लेना चाहते हैं तो आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं, पर मैं 2 इंच ले लूंगी, थोड़ा सा ब्रॉड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी चॉइस पर है, आप इसे कम ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ से मैं ये 2 इंच लंबाई ले रही हूँ बैक नेक की। चौड़ाई हम यहाँ से यही रखेंगे और फिर हम अपने आगे वाले नेक की लंबाई 4 इंच रख लेंगे और होल मार्क करके उसकी कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से हमारी यह चोली की भी कटिंग होती है।
अब हम इसमें इसी तरीके से ये अस्तर की कटिंग कर लेंगे। सेम मेथड रहेगा हमारा अस्तर का। ये भी मेरे पास लेफ्ट ओवर फैब्रिक है, ये खुली हुई साइड पर हम ये अपने बैक वाले पोर्शन इस तरह से रख देंगे और ये जुड़ी हुई साइड पर हम इस तरह से अपने फ्रंट वाले पोर्शन रखकर अपने इस चोली की इसके अस्तर की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये चुनिया चोली की कटिंग होती है। अब हमने ये सारी कलियों को ज्वाइन कर लिया है। अब हम ये जो नीचे से कलियाँ थोड़ी छोटी पड़ी हो रही है इनको इक्वल कट कर देंगे। तो आप पहले ऐसे टेलर चौक से मार्क लगा दीजिए। और अब इनकी कटिंग कर लीजिए। अब आप इसको इस तरफ रख के चेक कर लीजिए एक दूसरे के ऊपर कि दोनों साइड्स आपकी बराबर है या नहीं। अगर छोटी पड़ी है तो आपने कट कर लीजिए। और अब हम इसको देख लेंगे, ये हमारी कमर 30 इंच तक होना चाहिए। तो ये हमारी 30 में थोड़ी सी कम है। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो आप यहाँ से भी इसको थोड़ा कट कर लीजिए। तो पहले हम लंबाई चेक कर लेंगे कि हमारे ये 2 इंच का नेफा आ जाएगा और हमारी लंबाई तो ये 35 हो रही है और हमें चाहिए 30 इंच लेंथ, तो हम इसको ऊपर से कट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से लगभग 1 इंच के बराबर आप इसे कट कर लीजिए तो आपकी यहाँ से कमर बड़ी हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि कलियाँ ऊपर से पतली और नीचे से फैलती जाती है, चौड़ी होती जाती है, तो इसलिए इस तरह से आप अपनी कमर को बड़ा कर सकते हैं। और अब आप दोबारा अपनी कमर का नाप ले लीजिए। जब हमने लंबाई ली थी कटिंग करते वक्त तो हमने ज़्यादा ली थी और उसका रीज़न यही है कि जब आपको ऐसे सिलाई के बाद थोड़ा ये लगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हमारी ये कमर 15 इंच यानी कि 30 इंच खुलकर हो जाएगी और हमें इतनी ही इसकी ज़रूरत है। अब हम इसमें इसको इसके बराबर इस कपड़े की ऐसे कटिंग कर लेंगे और फिर यहाँ से साइड से इस कपड़े को सिल कर इसके साथ पूरा ऐसे जॉइंट कर लेंगे और उसको नेफे की तरह फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल। और उसमें फिर हम इलास्टिक डाल लेंगे। इलास्टिक की लंबाई हम हमारी कमर का नाप 23 है तो इलास्टिक हम 5 इंच कम लेंगे। इलास्टिक हम 23 ऐसे नाप आ रहा है तो इसमें से 5 इंच कम कर लीजिए आप तो हमारा आ जाएगा 18 इंच। तो हमें इलास्टिक 18 इंच ही कट करना होगा। अब हमने ये देखिए नेफे वाले कपड़े को इसके साथ इसे अंदर की तरफ से सिल लिया है। अब हमने ये इलास्टिक भी कट कर गया और उसको यहाँ से इस तरह से सिल लिया है। अब हम इसको इस तरफ फोल्ड करेंगे। पहले आप हमेशा अंदर की साइड पर लगाइए, इस चीज़ का ख्याल रखिए ताकि क्या होगा कि आपके ऊपर आपको दिखते हुए सिलाई लगाओगे तो फिनिशिंग आएगी आपकी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके अंदर ये इलास्टिक भी हम इसी तरह से रख लेंगे। और अब हम यहाँ से पकड़ कर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इलास्टिक आपका अंदर की तरफ रहे और यहाँ पर आपकी सिलाई इसके जो आपका जॉइंट है इसको कवर कर ले। इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। इलास्टिक को आपको खींचते जाना होगा और सिलाई आपको इलास्टिक के ऊपर नहीं रखनी, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होगा। बस आप इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाइए और इस तरफ आप इस तरह से सिलाई लगाते जाइए। और आप चाहें तो पहले पिन लगा सकते हैं या आप कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं और उसके बाद लंबाई नाप के आप नीचे से इसे फोल्ड कर लीजिए। जो भी आपकी लंबाई आए, जैसे कि मेरी को 30 आ रही है तो 30 रखूंगी। 30 के बाद जो भी हमारी लेंथ बचेगी उसको हम ऐसे नाप लेंगे कि कितना इंच हमें फोल्ड करना है। जैसे कि हमें ये 3 इंच फोल्ड करना होगा तो हम हर तरफ से इसको इस तरह ऐसे रखते जाएंगे। कली वाले को फोल्ड करने का आपका एक ही टिप रहता है कि आप ये कली से इस कली को इस जॉइंट से इस जॉइंट को मिलाइए और फिर बीच में आपका जो भी गैदर आता है शल आता है आप देते जाइए। आसान तरीके से फोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको पहले सिंपल ऐसे एक तरह से एक सिलाई लगाकर फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। और इसके लिए भी एक अच्छा टिप है कि आप चाहे तो पहले पिन लगा लीजिए और बस कलियों में इस तरह से यहाँ पर शल आते जाएंगे, लेकिन आपको हर जॉइंट से जॉइंट मिलाना है। ये एक इसका बेनिफिट है कि आपको इस तरह नहीं जाना है, आप जब ये जैसे ही यहाँ आएगा आप इसमें एक शल
बीच में दे दीजिए, एक दीजिए या दो दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं एक शल काफी मोटा हो रहा है तो आप थोड़ी दूरी पर दो शल दे सकते हैं। और फिर हम इसको यहाँ पर ये डोरी में टसल बांधकर लगाएंगे। तो आप सिलाई इसको यहाँ से इसके साथ ऐसे नॉट बांध दीजिए अच्छी सी मजबूत, और ऊपर एक दो इसके सिलाई का भी ध्यान रखिए कि ये खुले ना। और उसके बाद आप जहाँ पर भी ये लगाएंगे एक साइड पर आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं। आप चाहेंगे साइड में हम ब्राउन वाली कली रखेंगे तो ब्राउन वाली कली पर ये गोल्डन आए। और फिर हम इसे थोड़ी सी बड़ी इतना पीस कट करके यहाँ से इसको बांध लेंगे, और इतना ही हम इसको छोटा बड़ा करके इनको टसल्स को यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे और इस तरह से हमारा लहंगा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस चोली की सिलाई करेंगे, चोली या ब्लाउज भी कह सकते हैं आप। इसके लिए मैंने अस्तर को मैंने इस तरफ नीचे रखा है और यहाँ पर ये कैनवास रखकर इस गले की सिलाई लगा ली। अब हम इस कैनवास की कटिंग कर लेंगे और यहाँ ये गले की आर्म होल पर जो सिलाई लगाई है इसको भी मैंने इस तरह से कट्स लगा दिए हैं। इस तरफ हमने इसकी कटिंग कर ली है कैनवास की। सिर्फ कैनवास को उठाकर आपको इसकी कटिंग करनी है और यहाँ गले पे से भी कटिंग कर ली है और इसमें भी हमने कट्स लगा दिए। फिर हमने इस अस्तर वाले कपड़े को पकड़कर सिर्फ इस पर ऐसे सिलाई लगाई है और अब हम इसके ये आर्म होल पर भी सिलाई लगा देंगे जैसा कि हमने इस तरफ लगाई है। और इसी तरह से हम ये बैक पोर्शन लिया है, इस पर भी हमने ऐसे सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों पोर्शन में आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है। बैक के हमारे दो पोर्शन है तो दोनों में हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। और अब हम इसमें ऐसे ये एक्स्ट्रा है तो इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर ऐसे कट से लगा देंगे सिलाई के पास तक। सब आर्म होल पर आपको ऐसे सिलाई के पास तक सिलाई कट लगाने हैं। अब हम इसको टर्न करके सीधा कर लेंगे। क्योंकि हम स्लीव्स नहीं लगा रहे हैं तो हम इस तरह से कुर्ती बनाएंगे तो ये यहाँ पर फिनिशिंग भी आ जाएगी और हमें अलग से एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम इसको साइड से सब तरफ सिलाई लगाकर कवर कर लेंगे। और अब हम ये पीछे वाला पार्ट लेंगे और इसमें हम यहाँ से इसको चेक करेंगे ये दोनों बराबर है या नहीं। अगर ये थोड़ा सा इस तरह से बड़ा हो रहा है तो आप इसको इस तरफ से गले के पास से और सिलाई लगा लीजिए। तो आप इस तरह रखिए, टेलर चौक से इस पर मार्क कर लीजिए कि हमें कहाँ तक और एक्स्ट्रा सिलाई लगानी होगी। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसे मिला लीजिए। अब हम ये पीछे वाला पार्ट लेंगे, इसको हम सीधा नहीं करेंगे, आगे वाले पार्ट को हमने सीधा कर लिया है। और इसको हम यह जो खुली वाली साइड है इसको हम ध्यान रखेंगे कि ये नेक की तरफ आए, इस तरह से आर्म होल की तरफ ना हो। ऐसे करके हम यहाँ से ये आर्म होल है इसके अंदर से इसको हम अंदर डाल देंगे। ये भी हमारा खुला पार्ट है और ये भी हमारा खुला पार्ट है और हम इसको यहाँ रखकर अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से हम रखेंगे, देखिए इधर से आप बिल्कुल बराबर, दोनों तरफ से आप एकदम बराबर इसको रखिए और हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। आर्म होल की साइड हम थोड़ी स्लांट तिरछी सिलाई लगाएंगे। क्योंकि हमने स्लांट रोप कट नहीं किया था तो ये हमारा आर्म होल वाली साइड है तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको थोड़ा तिरछी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको ऐसे कर कर ये निकाल लेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये एकदम फिनिशिंग से आ जाएगा। ये देखिए इस तरफ भी अंदर की तरफ भी, और कोई कपड़े का ये थ्रेड जो जरी का थ्रेड होता है धागा होता है वह चुभेगा भी नहीं, पिंच नहीं होगा और इस तरह से हमारा ये फिनिशिंग से आ जाएगा। अब इसी मेथड से हम ये दूसरे वाले पार्ट को भी इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमने ये चोली को एक और हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है और हमने हर तरफ सिलाई लगा ली है, इसको इसके साथ जॉइंट कर लिया है और हमने यहाँ किनारे भी सिलाई लगाई है एक,
ये फिनिशिंग के लिए हमने लगाई है, नेक पर भी हमने ये सिलाई लगाई है और आर्म होल पर भी हमने ये सिलाई लगाई है। और इस तरह से फोल्ड करने पे क्या होता है कि ये जो कपड़ा है रेश जरी का कपड़ा है तो ये चुभेगा नहीं, इसलिए आप कोशिश करिए कि स्लीवलेस बना रहे तो कुछ इस तरह से ही उस पर सिलाइयाँ लगाएं। अब हम ये पीछे हम यहाँ पर हुकाई लगाएंगे। मैं यह कपड़े की एक पट्टी लूंगी इससे के बराबर और यहाँ हमने इसको सिलाई लगा दी उल्टी साइड। अब हम इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी हम ये धागे ना निकले इसके लिए इसको ऐसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इंटरलॉकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार हमारे पास इंटरलॉकिंग की मशीन अवेलेबल नहीं होती है घर पर, तो हम इस तरह से भी सिलाई लगा सकते हैं इसको धागे निकलने से बचाने के लिए। यहाँ पर ऐसे रख कर ऊपर से ऐसे सिलाई लगा देंगे, जितनी हमें दिखानी है बाहर की तरफ उतनी आप इसे दिखाइए और फिर यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पर भी आप एक सिलाई लगा लीजिए। अब हम इसमें टक्स के निशान लगाएंगे और टक की सिलाई लगाएंगे। तो आप इसको इस तरह से डबल फोल्ड करिए और यहाँ से ये बच्चों का है तो हम यहाँ से हमें टोटल लेंथ हमारी 12 इंच रखनी है तो हम यहाँ से 3 इंच के टक्स देंगे तो ये इस तरह से 9 इंच तक हमारे टक्स आ जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हमें टक्स देना है पतला सा नाम के लिए, वो एक शेप दिखाई दे इसलिए। इस टक्स को हम इस तरफ ट्रेस कर लेंगे, और इसे हल्का दिख रहा है तो इसे डार्क कर लेंगे। इसी तरह से हम इनको पीछे की तरफ वालों पार्ट पर भी रखेंगे और ट्रेस कर लेंगे दोनों पार्ट्स पे। क्योंकि ये बच्चों का है तो इनमें आगे पीछे के टक्स आपके बराबर होंगे, बड़ों का रहता है तो हम उसमें टक्स बराबर नहीं करते हैं। ये टक्स हमारे इस तरफ भी ट्रेस हो गए हैं। अब हम इन टक्स को लगाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर इनको सीधे सिलाई लगा लेंगे। इसकी वजह ये है कि जब हम टक्स लगाते हैं तो हमारा अंदर वाला अस्तर छूट जाता है, वह इस तरह से पकड़ में नहीं आता है, वह यूं सिलाई करते हैं तो ये चीज़ हमारी थोड़ी बाहर की तरफ निकल आती है। तो इसके लिए आप इस तरह की सिलाई लगा लीजिए, उससे आपका टक्स एक आपका पूरा टक्स में ये दोनों कपड़े पकड़ में आएंगे। और बहुत पतला सा हमें टक्स देना है, मैंने सिर्फ ये एक फुट के बराबर इसका टक्स को रखा है। ये देखिए, ये हमने काफी पतला टक्स दिया है, ऐसे हम चारों टक्स को लगा लेंगे। अब हमने ये टक्स की सिलाइयां लगा ली है, अब हम इसको फिटिंग देंगे। तो पहले हम इसको यहां से सीधा सीधा सिल लेंगे इस तरह से। ये सिलाई हम एकदम किनारे पे लगाएंगे और अब हम इसको फोल्ड कर इस तरफ सिलाई लगा लेंगे, यह भी हम किनारे पे लगाएंगे। इस सिलाई लगाने की वजह ये है कि यहाँ से हमारा ये कपड़ा धागे नहीं निकलेंगे और चुभेगा भी नहीं। दोनों तरफ से हम इसी तरह की सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हमने ये सिलाइयाँ लगा ली है, अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे पहले जितना हमें फोल्ड करना है, और उसके बाद हम इसको यहाँ से फिटिंग की सिलाई देंगे। उसकी वजह यह है कि जब आपका कुर्ता कभी भी आप इसको लूज करना चाहें तो आप आसानी से लूज कर सकते हैं, इसलिए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो आप अपनी लंबाई नाप लीजिए, मुझे जैसे कि 12 इंच रखना है तो 12 इंच के बाद जो बचता है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो मुझे इस तरह रखना है तो मुझे 2 इंच फोल्ड करना होगा इस तरह से। लेते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से आप चेक करिए कि ये बराबर होने चाहिए दोनों पार। अब हम इसको फिटिंग देंगे। तो हमारा जो सीने का नाप है वह है 24 इंच। तो हम यहाँ से इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे और हम इसको यहाँ से नापेंगे। ये जो सिलाई वाला मार्क है यहाँ से हम इसको नापना स्टार्ट करेंगे। हमें चाहिए
24 चॉइस ही रहना पे तो हमें 13 इंच तैयार चाहिए, 13 तैयार रखना है। अब हम इस बचे हुए पार्ट को नाप लेंगे। ये हमारा बस्ता है 3.25, तो हम इसका हाफ कर लेंगे। ये 3.25 पे आप ऐसे रखिए और इसका हाफ ऐसे कर लीजिए और जो सिलाई लगी है उसके बाद से आप यहाँ पर ये माप ऐसे लगा लीजिए। तो ये हमारा आ रहा है 1.5 से, तो 1 पॉइंट ज़्यादा, तो इधर भी हम ऐसे ही 1.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा पे माप लगा देंगे। इसके बाद हमारी कमर का नाप 23 इंच, तो आप यहाँ से पहले इसका ध्यान रखिए और फिर इसको रखिए नापिए। तो कमर पे हम कोई प्लस नहीं करेंगे, कोई माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तैयार कमर रखनी है। 23 इंच हमारी कमर है तो हमें 23 इंच का आधा आएगा 11.5 इंच। आप 23 पे ऐसे करिए इंची टेप को और हाफ कर लीजिए, तो आपका हाफ आता है ये। आप यहाँ पे ऐसे मार्क लगा दीजिए 11.5 इंच आता है हमारा आधा। यहाँ से हम लेंगे 2.5, इसका हाफ यहाँ से लेंगे तो 2.5 का हाफ आएगा 1.25 इंच, या आप 2.5 पे इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर लीजिए तो आपका हाफ निकल आएगा। यहाँ एक मार्क लगाइए और इसी तरह से आप एक मार्क इस तरफ भी लगा लीजिए। अब हम ये मार्क को ये मार्क से मिला देंगे, इधर भी और इधर भी, और इन पर ये सिंपल से सिलाई लगा दी। एक सिलाई और लगा देंगे हम इस तरफ ट्रैक करके थोड़ी बाहर की। ऐसे ही हम ये साइड पर भी सिलाइयां लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर पीछे की तरफ हुक आई कर लेंगे और इस तरह से हमारा यह स्लीवलेस ब्लाउज बनकर कंप्लीट है। इस तरह से हमारी यह चनिया चोली बोल सकते हैं आप इसको, या लहंगा चोली बोल सकते हैं आप इसको, बनकर कंप्लीट है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।